मेट्रो न्यूजच्या ताज्या अपडेटसाठी आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. अनेक वर्ष प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करा, अन्यथा कामगारांनी केलेल्या इच्छा मरणाच्या अर्जाला मुख्यमंत्र्यांनी रितसर परवानगी द्यावी अशी मागणी वीज कंत्राटी कामगार कृती समितीने केली आहे. कंत्राटी वीज कामगारांचे प्रलंबित मागण्यांना करिता अनेक वर्ष आंदोलन करतात. गेल्या वेळी सुरू केलेले आंदोलन ऊर्जामंत्र्यांच्या चर्चेनंतर मागे घेण्यात आलं, मात्र पुन्हा शासनाने चर्चेस न बोलावल्याने पुन्हा एकदा 7 सप्टेंबर पासून बेमुदत आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा वीज कंत्राटी कामगार कृती समितीचे प्रदेश अध्यक्ष निलेश खरात यांनी पत्रकार परिषदेत दिलाय. यावेळी सचिन मेंगाळे उपस्थित होते. महावितरण मध्ये भरती करा, पण कंत्राटी कामगार घरी जाणार नाही याची लिखित खात्री ऊर्जा मंत्र्यांनी द्यावी. कंत्राटी कामगारांना जेवढी वर्ष कंत्राटी पद्धतीवर काम केलंय तेवढी वर्ष त्यांना भरती दरम्यान वयात सवलत मिळावी, त्यांना भरतीमध्ये 50% विशेष बाब म्हणून आरक्षण देऊन सामावून घ्यावं. शासनाच्या इतर खात्यात चतुर्थ श्रेणीसाठी जी वयोमर्यादा लागू आहे तीच वयोमर्यादा वीज उद्योगात ठेवावी. महावितरणची विद्युत सहाय्यक भरती ही आयटीआयच्या मेरिटनुसार करावी अशा मागण्या त्यावेळी केल्या. या सर्व मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी 7 सप्टेंबर पासून कृती समितीचे प्रमुख पदाधिकारी मुंबईच्या आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू करणार आहेत अशी माहितीही निलेश खरात यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. संविदा कर्मचारी को हर महीने आंदोलन क्यों करना पड़ता है और अपेक्षा ऐसी है इस सवाल का निचोड़ जल्द से जल्द मिले. जो 7 और 8 जुलाई को जो संविदा कर्मचारी ने पूरी महाराष्ट्र राज्य में आंदोलन किया था, उस आंदोलन के पार्श्वभूमि पर माननीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई. ऊर्जा मंत्री जी ने आश्वासित किया जल्द से जल्द इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करके उचित निर्णय करेंगे और संविदा कर्मचारी को न्याय देने की कोशिश करेंगे. संविदा कर्मचारी इस न्याय की प्रतीक्षा में राह देखते रहे. इसके ऊपर कुछ भी अभी तक ना मीटिंग हुई, ना चर्चा हुई, ना कुछ लेटर मिला. फिर बाद में शासन की तरफ से 7000 नई लोगों की भर्ती की प्रक्रिया उन्होंने चालू कर दी. भर्ती की प्रक्रिया चालू करने का अधिकार शासन को है, लेकिन हमारा एक डिमांड है, जो बरसों से काम करने वाले संविदा कर्मचारी को न्याय कौन देगा? वो शासन ही देगी. उस कर्मचारी की रोजगार की हमी कौन देगा? वो शासन ही देगी. इस मुद्दे के ऊपर कि जो बरसों से काम करने वाले संविदा कर्मचारी को शासन में रोजगार मिले, उस कंपनी में रोजगार मिले, यह अपेक्षा, महत्वपूर्ण अपेक्षा इस आंदोलन की पार्श्वभूमि पर है. ये आंदोलन अभी 7 और 8 तारीख को जो अधिवेशन है, अधिवेशन के दरमियान मुंबई में आजाद मैदान में हमने ऐलान किया है. आजाद मैदान के ऐलान करने के बाद परमिशन के तौर पर हम मुंबई में भी माननीय पुलिस डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन भी दिया है, उन्होंने भी कुछ सूचित किया है. लेकिन हमारी अपेक्षा ऐसी है कि वरिष्ठ स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री हो, माननीय ऊर्जा मंत्री हो, उनके साथ में चर्चा बने और चर्चा बनने के बाद निचोड़ उसको निकले, ये अपेक्षा है. दूसरी बात ऐसी है कि ये सब लोगों ने इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी संविदा कर्मचारी ने इच्छा मृत्यु की मांग की है. ये भी महत्वपूर्ण बात ये राज्य सरकार ने भूलना नहीं चाहिए. ये छोटे छोटे मुद्दे के ऊपर कंत्राटदार की तरफ से जो होने वाले अन्याय के कारण सभी संविदा कर्मचारी ने अपने अपने जिलाधिकारी कचेरी में एक ज्ञापन देकर इच्छा मृत्यु की मांग की है. इसका भी महत्वपूर्ण संकेत राज्य शासन ने लेना चाहिए और जल्द से जल्द संविदा कर्मचारी को न्याय देना चाहिए, रोजगार में हमी देनी चाहिए. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ब्यूरो रिपोर्ट, पुणे.